तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फंजाई इज बायोफर्टिलाइजर, कैसे फंजाई मदद करता है। तो फंजाई भी जनरली क्या करता है, बहुत सारा प्लांट का जो रूट्स होता है उन प्लांट रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन का फॉर्मेशन करता है, एंड उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्मेशन से हमको पता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्मेशन में दोनों ऑर्गेनिजम्स का बेनिफिट होगा जो दोनों उस एसोसिएशन में है। फंजाई को क्या बेनिफिट मिलता है, और फंजाई जनरली प्लांट का जो रूट होता है रूट में ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, कभी रूट के अंदर कभी रूट के बाहर, आउटर सर्फेस और इनर रीजन, ठीक है। तो फंजाई जो ये एसोसिएशन प्लांट के रूट्स के साथ करता है, इसके वजह से प्लांट को क्या मदद होता है, फंजाई रूट के आसपास का सॉयल का पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है, ज्यादा सॉयल को एसिडिक होने नहीं देता है, ठीक है। फंजाई प्लांट के रूट्स को ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, प्लस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। बहुत सारा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वगैरह वगैरह, जो लोग प्लांट के रूट्स में घुस के उसको इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। प्रोटोजोआन है जो प्लांट के रूट्स में घुस के उसको इन्फेक्ट कर सकता है, इस तरीके के दूसरे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को वो दूर रखता है, रूट्स को इफेक्ट करने नहीं देता है। ये हुआ प्लांट का बेनिफिट। फंजाई को क्या बेनिफिट मिलेगा, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए कार्बोहाइड्रेट बनाएगा वो खाने को मिलेगा फंजाई को, प्लस फंजाई को शेल्टर भी मिल रहा है, ठीक है। तो वही चीज लिखा है, देखो, फंजाई ऑल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स नोन एज माइकोरिजा बिलोंग्स टू जेनस ग्लोमस। तो जो फंजाई हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है उन फंजाई को हम लोग माइकोरिजा बुलाते हैं, एंड माइकोरिजा जो फंजाई है दे बिलोंग टू अ जेनस कॉल्ड ग्लोमस, ठीक है। द फंगल सिम्बायोट एब्जॉर्ब्स फॉस्फोरस फ्रॉम सॉयल, ठीक है। फंगस क्या करता है प्लांट के लिए वो पढ़ रहे हैं। तो फंगस सॉयल से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है एंड प्लांट को दे देता है, पास इट टू प्लांट्स। प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशन ऑल्सो शो रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन, अभी बोला, टॉलरेंस टू सेलिनिटी, ठीक है। ये सब प्लांट का बेनिफिट है। ड्रॉट, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो सॉयल में अगर वाटर कंटेंट कम भी है तो भी फंजाई सॉयल से वाटर एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो होगा ही, इतना सारा फैसिलिटीज प्लांट को दे रहा है तो प्लांट ऑब्वियसली ब्लूमिंग वे में ग्रो करेगा। इन रिटर्न फंजाई गेट्स फूड एंड शेल्टर इन दिस एसोसिएशन, फंजाई का फूड एंड शेल्टर मिलेगा, जो अभी समझाया। टाइप्स ऑफ माइकोरिजा, एज आई टोल्ड यू, कुछ फंजाई है जो रूट के बाहर रहेगा, कुछ फंजाई है जो रूट के अंदर रहेगा। अब रूट के बाहर जो रहेगा उनको क्या बुलाएंगे, एक्टो माइकोरिजा, एक्टो माने आउटर, ठीक है। हाइफी ऑफ फंगस माने फंगस का जब जब ग्रोथ होता है तो दे फॉर्म अ काइंड ऑफ अ ग्रुप, दे फॉर्म अ काइंड ऑफ अ कॉलोनी, एंड एकदम एक सरफेस को वो लोग कवर कर लेता है, उसको हम लोग हाइफी बोलते हैं। हाइफी ऑफ फंगस ओनली फॉर्म्स मेंटल, माने एक आउटर कवरिंग के जैसा, मेंटल कहा पड़ा था हम लोगों ने मोलस्का, तो एक रूट के ऊपर ऊपर एक और लेयर के जैसा फॉर्म करता है ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द रूट। इस तरीके का फंगस जो रूट के बाहर अपना कॉलोनी या अपना हाइफी फॉर्म करता है, इस तरीके का फंगस बिलोंग्स टू अ ग्रुप बेसिडियोमाइसिटिस, जो तुम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। दिस इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये एक्टोमाइकोरिजा क्या बेनिफिट देता है, इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। द फंजाई ऑल्सो एब्जॉर्ब्स एंड स्टोर नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम कैल्शियम, ये सब मिनरल्स है जो एब्जॉर्ब करने में ये वाला फंजाई मदद करता है। एग्जाम्पल कौन सा प्लांट के साथ इस तरीके का फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा, पाइनस ओक, ये सब जो प्लांट है इसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन जनरली करता है, ठीक है। तो अभी एक्टो डिस्कस कर लिया, अभी एंडो डिस्कस करेंगे। सो यही डिस्कशन के साथ माइक्रोब्स फिनिश, नेक्स्ट आई विल स्टार्ट बायोटेक्नोलॉजी, ओके। सो एंडोमाइकोरिजा फंगल हाइफी पेनेट्रेट इनटू द कॉर्टेक्स सेल्स, एंडो अंदर, तो कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर घुस जाएगा, रूट का जो कॉर्टेक्स सेल्स होगा उनके अंदर घुस जाता है। इस तरीके का फंगस जो रूट के अंदर पेनेट्रेट कर सकता है, दे बिलोंग टू अ ग्रुप कॉल्ड जाइगोमाइसिटिस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज VAM, दैट इज वेसिकुलर अर्बास्कुलर माइकोरिजा, ठीक है। क्यों बुलाते हैं, बिकॉज कॉर्टिकल सेल स्वेल, ये लोग जब कॉर्टिकल सेल के अंदर घुसता है ये लोग कॉर्टिकल सेल को स्वेल कर देता है। क्यों स्वेल होता है कॉर्टिकल सेल, बिकॉज उनके अंदर फॉर्म होता है कुछ वेसिकल्स, एंड दिस टाइप ऑफ वेसिकल का फॉर्मेशन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल
इन प्रोवाइडिंग फॉस्फोरस न्यूट्रिशन टू प्लांट्स. प्लांट्स विल बी एबल टू स्टोर मोर फॉस्फोरस, प्लांट्स विल बी एबल टू एब्सॉर्ब मोर फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉयल, एंड फॉस्फोरस इज अ वेरी की एलिमेंट फॉर द फास्टर ग्रोथ, फास्टर प्रोडक्टिविटी, फास्टर फ्रूट फॉर्मेशन, हायर यील्ड ऑफ द प्लांट. एग्जाम्पल ये सब ट्रीज में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलेगा. कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे दिया है जैसे कि ओलोसिरा मोस्ट एक्टिव नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, इन ये सब क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में. ठीक है, इंडिया के राइस फील्ड में नॉन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है लेकिन सॉयल में रह के नाइट्रोजन फिक्स करके राइस ग्रोथ को ब्लूम करने में मदद करता है ओलोसिरा. ठीक है, फ्रेंकिया जो एक एक्टिनोमाइसिटिस है मेक सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट. ये पॉइंट इसलिए दिया है क्योंकि पहले लेगुमिनस प्लांट का मैंने दे दिया है एग्जाम्पल अलनस केशवरीना, ये सब प्लांट में ये एक्टिनोमाइसिटिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में ग्रोथ कराने में मदद करेगा. तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में मैं बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करूंगा. ठीक है, चलो बाय बाय.